ये आप देख सकते हैं केदारनाथ ट्रैक, जिस पर कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर है ये लाया गया है। क्योंकि पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो को देखा था जिसमें इसी ट्रैक्टर को चढ़ाया जाता, लेकिन आज मैं खुद अपनी आंखों से इसको देख पाऊंगा। जब मैं केदारनाथ आऊंगा तो मुझे इसका बिल्कुल भी ये विश्वास रहेगा। आप देख सकते हैं कि वेट को मेंटेन करने के लिए, आप देख सकते पीछे तो वेट है, साथ ही साथ इसको मेंटेन करने के लिए आगे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बिठाया गया है, जिससे कि ये ट्रैक्टर जो आगे की तरफ खड़ा ना हो पाए। और आप देख सकते हैं कैसी सड़क है ये, और यहाँ से ये जो ट्रैक्टर है ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो देखते हैं इसको इसमें ऊपर आने में कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के इंजन की ताकत के साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊँ तो कितने सारे लोग भी इसको रस्ते से जो है खींचने की कोशिश करें। देखिए वाह क्या बात है, इनको बहुत, ये देखें नीचे इन्होंने एक ईंट भी रखी थी जिससे ट्रैक्टर ने एक जंप से जो है जंप भी कर लिया है। यह बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को आज मिला है जब मैं केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ भोले की नगरी में। बहुत मुश्किल टास्क है ये इन लोगों के लिए। आप देख सकते हैं नीचे एक तरफ बिल्कुल खाई है और एक तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता के आप देख पाएंगे सीढ़ियाँ है, एक तरह से आप देखेंगे ये सारा का सारा ऐसा ट्रैक है यार जिसपे पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये जो है केदारनाथ का ट्रैक है। पहले भी ये जो वीडियो है जिनकी वायरल हुई थी मैंने देखा था उसको यूट्यूब पर। आप कहाँ तक लेके जाओगे इसको? आप केदारनाथ तक कितना टाइम लगेगा इसको जाने में? अच्छा तो क्या ये सामान लेके जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मोड़ पे नहीं रुकूंगा। एक मिनट मुझे जाने दो। तो देखेंगे जब भी मोड़ आता है तो बहुत ही ज्यादा एहतियात इनको जो बरतनी पड़ती है। बहुत ही यार ज्यादा मुश्किल काम है यार ये, आप खुद देख सकते हैं इसको, ऐसे खतरनाक रास्ते और इस पर ये ट्रक और इसके साथ ही इस पर वेट है जो ये सामान केदारनाथ तक लेके जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो लोग देखेंगे आप बैठे हुए हैं उनकी भी जान को खतरा है। देख सकते हैं आप जो ड्राइवर है उसकी दाद देनी पड़ेगी यार। आप लोग कारों की ऑफ रोडिंग की वीडियोस तो अक्सर देखते हैं, लेकिन ये जो ट्रैक्टर है ये इसकी ऑफ रोडिंग नहीं कह सकते, इसको हम बिल्कुल ही यार डेंजरस रोड, जिसको ऑफ रोड से भी यार कुछ बढ़ के जिसको नाम हम दे सकते हैं। ओ वाह तो देखेंगे आप बिल्कुल तकनीक से जो है ये इस ट्रैक्टर को लाया जा रहा है ऊपर। अभी जो है यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर अभी केदारनाथ रहता है, और इनको जो है यहाँ से अभी भी ये बता रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल इनको इतना समय लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये टर्न आता है टर्न पे इनको वक्त लगता है। और देखेंगे अब यहाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और ये जो ट्रैक्टर है यार इसकी जो इंजन है ये ज़्यादा बड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा इंजन होगा तो शायद वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। तो देखेंगे इसको जो खींचने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लोग मुझे लग रहा है कि इसको खींचने के लिए लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने वहाँ केदार घाटी की स्नो पीक भी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो देखो यार ऐसा खतरनाक रास्ता है जहाँ पर कि ये इस ट्रैक्टर को लेके जाया जाएगा। देखेंगे यहाँ भी एक टर्न था जहाँ पर इसको थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ रही है इस ट्रैक्टर को। और देखिए जितने भी घोड़े हैं वो सब एकदम से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा डेली देखने को नहीं मिलता है। ये जो है मुझे लगता है कि इनका चक्कर कब कब यहाँ पे आना होता है? रोजाना आना होता है यहाँ पर? अरे यार ये तो रोजाना का काम है इनका।
तभी ही ये इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ तक लेकर के इस ट्रैक्टर को आते हैं। ट्रैक्टर के साइड में खड़ा होना भी किसी खतरे को दावत देने से कम नहीं है। तो मैं आज अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि इसी ही ट्रैक्टर की वीडियो मैंने यूट्यूब पर शायद देखी थी, जो कि काफ़ी वायरल हो रही थी, और आज मुझे अपनी आंखों से इसको देखने का मौका मिला है और आपके लिए वीडियो बनाने का भी मौका मिला है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं जहाँ से ये जो ट्रैक्टर है इसको निकाला जा रहा है, और 17-18-20 लोगों की टीम है ये इसको ले जाने के लिए, जो कि केदारनाथ तक लेकर के इसको जाने वाले हैं। और देखिए, एक ही नहीं, यहाँ एक दूसरा ट्रैक्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि एक ही होगा, लेकिन ये देखेंगे आप, ये दूसरा ट्रैक्टर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये भी सामान लेकर के जा रहा है। तो ये इन लोगों का रोज का काम है, बता रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में जो है, आपको पता ही है, सौंदर्यीकरण का काम काफ़ी सालों से चल रहा है और अब भी चल ही रहा है। तो उसके लिए जो सामान जो होता है वो घोड़े खच्चे पर ये नहीं लेके जाया जा सकता, ये इस प्रकार का सामान जो आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की टीम इसके साथ चलती है, तो पीछे आगे पीछे हर चीज़ का इनको ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए ये इनके साथ साथ जो यहाँ पर यात्रीगण चल रहे हैं, जो कि घोड़े खच्चर वगैरह पर, इनकी भी जान पर खतरा बन सकता है। तो इसीलिए तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर आगे, क्योंकि अब मुझे जाना है केदारनाथ मंदिर तक, क्योंकि फिर रात होने वाली है और ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।